हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल फाइल्स को आपस में लिंक कैसे करते हैं, एक्सेल में डेटा कनेक्शन कैसे ऐड करते हैं। आइए सीखते हैं। मेरे पास में 3 एक्सेल फाइल्स हैं, लिक्विड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वेयरिंग आइटम सेल्स का डेटा है। ओके, अगर मुझे इन 3 शीट्स को आपस में लिंक करना है तो मुझे क्या फायदा होगा? फर्स्ट चीज तो यही कि हम क्यों सीखें ये चीज। ओके, तो फायदा ये दोस्तों कि आप किसी भी शीट से इनको लिंक करेंगे तो इनका डेटा ऑटोमेटिकली उसमें इंपोर्ट हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये होगी कि आप इनमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली वहां पर भी डेटा चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी विजुअल बेसिक एकॉर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, कोई मैक्रो यहाँ पर रन नहीं करेंगे या फिर कोई एप्लीकेशन भी यूज नहीं करेंगे। दोस्तों कैसे होता है, आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिक्विड आइटम की एक्सेल को ओपन कर लिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास में लिक्विड आइटम की सेल्स में कुछ डेटा है और यहाँ पर उनके प्राइस हैं, अमाउंट हैं और सेल्स के अमाउंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, ऐसे ही तीनों शीट्स में मेरे पास में कुछ कुछ डेटा है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों कि इस शीट से मैं, जैसे मेरी ये लिक्विड आइटम की सेल्स की डिटेल है, इसके साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल्स का जो डेटा है यानी कि ये जो वर्कशीट है इसको भी लिंक करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, सिंपली मैं इस शीट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक न्यू शीट ऐड कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। मैं यहाँ पर शीट 2 मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डेटा टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बता देगा कि आपकी वर्कबुक के साथ में कोई भी कनेक्शन अभी नहीं है। दोस्तों ओके, तो आपको क्या करना है, न्यू कनेक्शन ऐड करना है, तो सिंपली ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको उसका पाथ दे देना है जहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल है। मेरी फाइल डेस्कटॉप है तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल क्लिक करता हूँ, देन ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों उस शीट के अंदर, आपकी वर्कबुक के अंदर जो जो जितनी भी शीट्स हैं उन सबको यहाँ पर वो विजिबल दिखा देंगे कि इतनी शीट्स हैं, किस शीट को आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं, किस शीट को आप लिंक करना चाहते हैं। तो मैं शीट 1 को लेना चाहता हूँ, देन क्लिक करता हूँ ओके। तो देखिए अब ये मेरी फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो आप डेटा इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में चाहते हैं, टेबल फॉर्मेट में, पाइवट टेबल की रिपोर्ट चाहिए या फिर आपको पाइवट चार्ट चाहिए। दोस्तों ओके, तो आप कोई भी इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से आप रेंज दे सकते हैं कि किस रेंज में आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट कराना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ का कोई भी एक लोकेशन दे देता हूँ, देन सिंपली ओके प्रेस कर देता हूँ। यू कैन सी द मैजिक कि वहाँ से डिटेल्स मेरे पास में यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉपी होके पेस्ट हो गई हैं और इम्पोर्ट भी हो गई हैं और ये डेटा वहाँ से लिंक भी हो गया है। दोस्तों यानी कि अब मैं वहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस शीट को मैं कंट्रोल एस के साथ में सेव करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन अब मैं खोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल वाली मेरी वर्कबुक। ओके, यहाँ पर देखिए शीट 1 में कुछ डेटा था मेरे पास में जिसको मैंने इंपोर्ट किया था। अगर मुझे यहाँ पर इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं, लाइक जैसे मैं इस डेटा में से मान लीजिए इतने डेटा को डिलीट कर देता हूँ ओके, और यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ जैसे ए बी सी डी, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दीजिए एंड क्लोज। ओके दोस्तों, डेस्कटॉप पे आ जाइए, लिक्विड आइटम सेल वाली एक्सेल को ओपन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों मेरे पास में, इसको आप इनेबल कर लीजिए, ये डिसेबल हो जाता है ओके। तो देखिए डेटा आपके पास में यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा ओके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस डेटा टाइप पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे। देन रिफ्रेश ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे आपका डेटा वहाँ से जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे दोस्तों ओके। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें, अगर मान लीजिए बार बार बहुत सारी शीट्स हमने यहाँ पे ऐड कर ली, बहुत सारे डेटा कनेक्शन ऐड कर लिए, तो हम हर शीट्स को तो यहाँ पे बार बार जाकर रिफ्रेश ऑल नहीं करेंगे ना दोस्तों। तो उसके लिए आप एक ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिंपली डेटा टाइप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास में जो भी कनेक्शन है वो इस तरीके से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स में करना चाहते हैं या फिर आपकी फाइल ओपन हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए ओके। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे मैं फाइल ओपन करूं तो मेरी वर्कबुक ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्रेश हो जाए, देन ओके प्रेस कर दीजिए, देन क्लोज। अब देखिए दोस्तों मैं इस सीट को कर देता हूं यहां से क्लोज, यहां पर सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब मैं जाता हूं इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल वाली डिटेल पे और यहां पर मैं क्या करता हूं दोस्तों, इन सबको कर देता हूं डिलीट और मैं यहां पर कंट्रोल एस करके इसको क्लोज कर देता हूं। वापस जाएंगे, लिक्विड आइटम वाली वर्कबुक ओपन करेंगे, यू कैन सी द मैजिक ओके। तो आपको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप और भी मल्टीपल शीट्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप पे जाते हैं और यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे मुझे वेयरिंग आइटम को भी इसमें अटैच करना है तो सिंपली ओपन कर देंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों ओके कर देता हूँ। सिंपली लोकेशन दे दीजिए, एंटर कर दीजिए।
वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वर्कबुक को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और भी चेंजेस हो जाएगा। बहुत काम का टूल है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेल की छोटी छोटी टिक्स की वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपका छोटा छोटा नॉलेज बढ़ता रहेगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।